शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकलते। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना, मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ, मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम। तब पार्वती माता ने कहा, अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी और हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ, मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ, उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ, उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ, आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा, प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं, अगर आपके यहां संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा, बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहे तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा, इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो, पर शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर अपनी कामना कर बाबा का स्मरण कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो स्मरण कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो, वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाएगा। नियम तो बनाओ, उसकी चौखट पर जाकर कहना प्रारंभ। बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो, शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना, ठीक है? आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी, मालूम नहीं था इंद्रदेव को, बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो, ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे आसपास पत्तियां रहे, 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर जैसे ये पत्तियां हैं एक जैसी रखी हुई हैं तो इसको फैला लिया 7 पत्ती को,
आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बना लें। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता है। शिव प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन या 12 महीने शिवरात्रि आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें।